नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुप्त गांव का हिटलर हमेशा शब्दों के खोखले अवतार लेकर हमको डराता रहा और कर कुछ नहीं पाया। उधर रामू ने सचमुच का अवतार ले लिया और जो कहा वो करके दिखाया। तुम दोनों खेत में खड़े पुतले की तरह तमाशा देखते रहे। हमारी सल्तनत में स्कूल या मंदिर बनाना एक तरफ, हमारी इजाजत के बगैर आकाश से भगवान जमीन पर नहीं उतर सकता। अब देखना। फिर अवतार लोगे? हाँ, जिला के शिक्षा अधिकारी का अवतार लूंगा, उसको यहाँ बुलाऊंगा और इस स्कूल को चिड़िया के घोंसले के तिनको की तरह हवा में उड़ा दूंगा। गंगू, तुम उस खास कमरे का इंतजाम करके रखो। कौन सा कमरा? वही कमरा जहाँ पर सरकारी ऑफिसर गांव की हालत देखने के बजाय समझ गया, जहाँ पर आप लोग लड़कियां लेकर। बताओ कहाँ है वो जबरदस्ती का कानून बनाकर अपनी हुकूमत चलाने वाला? मैं उसको पुराने अखबार की तरह फाड़ डालूंगा। सर वो बहुत बदमाश आदमी है, वो सामने पहाड़ी के दामन में जो सरकारी जमीन देख रहे हैं आप, जय हिंद, जय हिंद, उस पर उसने गोरिल्ला फौज की तरह घुसकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अच्छा? हाँ, और हम लोग गांव के अधिकारी नरम दिल भगवान के पुजारी वहाँ राम का मंदिर बनाना चाहते थे, उसने मंदिर का आइडिया अंदर कर दिया, जमीन पे कब्जा कर लिया और स्कूल बना डाला। सर ये स्कूल तो सब बहाना है, दरअसल ये पढ़ाई के बहाने एक विरोधी दल यानी अपोजिशन पार्टी बना रहा है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमें क्या करना है हमें मालूम है। आप यहाँ खड़े रहिए और देखिए कि मैं उसका क्या हशर करता हूँ। चलो चलो हमला। क्या अभी मिस्टर रामू है? जी हाँ, मैं हूँ। मैं जिला शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी हूँ। नमस्ते। नमस्ते मिस्टर रामू, हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिली है कि तुमने बच्चों का बहाना बनाकर सरकारी जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है और बिना इजाजत सरकारी जमीन पर खेती बाड़ी भी कर रहे हो। बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है साहब, जवाब है। आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना वो सही है, लेकिन मेरे काम करने की वजह आपको जो बताई गई वो गलत है। क्या आप चाहते हैं कि आज भी ये गांव अनपढ़ और गवानों की बस्ती बना रहे? अगर आज इन बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा देकर इनकी जिंदगी संवारना अगर गुनाह है तो मैं बेशक गुनहगार हूँ। इस गांव के बड़े बड़े लोग, इस गांव के मुखिया लोग, जबकि सरकार के भेजे हुए बच्चों के खाने के पैसे हजम कर जाते हैं, इन्हीं बच्चों का पेट पालने के लिए हमने इस बंजर जमीन पर फसल उगाई है ताकि इतनी सी उम्र में इज्जत और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना सीख लें। अगर ये सब कुछ करना गुनाह है तो मैं बेशक गुनहगार हूँ साहब। ये बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम ये सब कर कैसे सकते हो? ना तो तुम सरकार हो, ना सरकार का कानून हो, ना कानून बनाने वाले हो। हाँ बिल्कुल, और हमें ये भी शिकायत मिली है कि तुम गांव के लोगों के साथ जबरदस्ती करते हो, गुंडागर्दी करते हो और लोगों को लूटते भी हो। ये सब झूठ है सर, लुटेरा तो मधुकर है सर। गांव का लुटेरा तो जग्गू है, वो चोर है, वो डाकू है। हमारी मास्टर जी हमारे लिए भगवान है, स्कूल हमारा मंदिर है, इसे हमने अपनी मेहनत से बनाया है, इसे कोई नहीं हटा सकता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो गांव गांव जाकर अपने मास्टर जी की शिक्षा का प्रचार करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है और एक बनकर रहेंगे। हमारे मास्टर जी भगवान है, हमारा स्कूल मंदिर है, हमारे मास्टर जी भगवान है, हमारा स्कूल मंदिर है, हमारे मास्टर जी भगवान है, हमारा स्कूल मंदिर है, हमारे मास्टर जी भगवान है, हमारा स्कूल मंदिर है। देखा आपने इन बच्चों की बातें सुनी, देखा इनके जोश को, इनके जज्बे को। रामू ने इन मासूम दिलों में सच्चाई के दीप जला दिए। ये दीप अपनी रोशनी से दूसरे दीप जलाएंगे, रोशनी बढ़ती जाएगी और जुल्म और जहालत का अंधेरा उस रोशनी में जल जाएगा। नफरत मिट जाएगी और हर जबान प्रेम की भाषा बोलेगी। अब आप खुद फैसला कीजिए कि रामू ने गलत रास्ते पर कदम रखा है या सही रास्ते पर। मगर आप कौन है? जिन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत की है, मैं उसी सरपंच मधुकर की बेटी हूँ। हमारे खिलाफ मतलब तुम भी रामू के साथ हो? जी, रामू एक इंसान नहीं, एक आंदोलन है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका मिला। मगर हमने सुना है कि गांव के बड़े लोग इस जमीन पर राम का मंदिर बनवाना चाहते हैं, तुम उनके काम में रुकावट डालकर कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो? आप एक मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हजारों मंदिरों की बुनियादें रखी जा चुकी हैं। जरा गौर से देखिए साहब, इनके दिल किसी मंदिर से कम है क्या? इनके दिलों में राम, कृष्ण, ईसा, खुदा सबके नाम लिखे हैं। आप एक मंदिर बनाने के लिए
हजारों मंदिरों को तोड़ डालेंगे, इससे बड़ा गुनाह क्या और हो सकता है। हम तो यहाँ एक मुजरिम से सवाल करने आए थे, मगर पता चले ये तो मुजरिम नहीं है, ये तो सच्चाई और इंसाफ की कुर्सी पर बिठाने के लायक इंसान है। रामू, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से जितनी भी मदद मिल सकती है मैं तुम लोगों को जरूर दिलाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट रामू। छीछी, मुंह पर मक्खी जैसी मूछ लगाकर, आंखों पे चश्मा पहनकर और हाथ में डंडा लेकर अपने आप को हिटलर कहते हो, बड़ा अवतार बनने चले थे। आज रामू की मौत का ऐलान करता हूँ। गंगरो, तुझे मालूम है इसका क्या करना है? मालूम है, मैं उस हरामजादे रामू को जान से मार डालूंगा, उसका खून पी जाऊंगा, उसका कत्ल कर दूंगा। ऐसी लुढ़कती हालत में तू किसी का खून कर सकेगा? सवाल नहीं, मेरा कमाल देखो, नमूने के तौर पर मैं गर्दन काट कर दिखाऊं। देखा, पागल हो गया। चलो तोते महाराज, चंदा के भागे की चिट्ठी निकालो। शाबाश, ये तो चंदा तुम्हारे लगन के बारे में लिखा है। मेरे लगन के बारे में? हाँ। जल्दी बताओ क्या लिखा है। तुम जिससे प्यार करती हो उससे लगन करने की इच्छा रखती हो। इस गरीब बस की? अब वो समय करीब आ गया है, शुभ घड़ी सर पर खड़ी है। 6 दिन के अंदर अंदर उसके पल्लू से पल्लू बांध लो, अगर देर कर दी तो फिर जीते जी इस जन्म में उसे कभी नहीं पा सकोगी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। क्या है चंदा? लक्ष्मी जी, मुझे आपसे अंग्रेजी में कुछ चीज लिखानी है। अच्छा तो ठहर जा, मैं नहाकर आती हूँ। अच्छा, इस गोरी बस की? ये डायरी नहीं, मेरी भावनाओं, मेरे सपनों का आईना है। रामू बरसों बाद शहर से लौटा, एक मुद्दत तक वो मुझसे दूर रहा, मगर फिर भी मुझे भूला नहीं। मैं जानती हूँ कि रामू भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। हाँ बोलो चंदा, तुम अंग्रेजी में क्या पूछना चाहती थी? लक्ष्मी जी, अगर मैं आज्ञा लेकर आपसे कहीं दूर जाना चाहूं, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे गुड बाय कहते हैं, GOOD BYE। मगर अचानक ये गुड बाय की जरूरत क्या पड़ गई? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी गुड बाय लक्ष्मी जी। मेरी और रामू की क्या जोड़ी, मैं उनकी पत्नी बनकर सेवा की सिवा उन्हें और क्या दे सकूंगी? उनका जोड़ तो सिर्फ लक्ष्मी जी है, जो जीवन के हर रास्ते पर उनका साथ दे सकती है, पढ़ाई लिखाई में, आदर्शों में। और मैं गवार, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकती, मैं आज के बाद उनके प्यार के बीच कभी नहीं आऊंगी। रामू हराम के, एक ही फटके में तेरा सर काट कर जमीन पर ऐसे टपका दूंगा जैसे नारियल के पेड़ से टूट कर नारियल गिरता है। ए चंदा सुन, आज मैं तेरे को खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी मेरे लिए क्या है? आज रामू का खून मेरे इस गंडासे की प्यास बुझाएगा। क्या बात करते हैं गंगू? मैं ठीक कर रहा हूँ, एक ही झटके में उसकी गर्दन काट कर ऐसे फेंक दूंगा जैसे काली के चरणों में बकरे की गर्दन काट। तू रामू का खून करेगा? नहीं रे, वो तो देवता है जिसने हमारी इस बस्ती को मंदिर बना दिया, और तू उस देवता का खून करना चाहता है? अरे वो देवता नहीं, वो तो साला राक्षस है, उसने गांव के बड़ों का अपमान किया है, और फिर तू भी तो उसके बलबूते पे इतना ठहराती है, मेरी तरफ एक नजर उठा के नहीं देखती, जैसे मैं कोई इंसान नहीं जानवर हूं। मैं उसे शमशान पहुंचा दूंगा,
तो तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तू खुद ब खुद अगर मेरा हाथ थाम लेगी के लिए भगवान बनकर आया है और भगवान का कत्ल करना महापाप है। उसका खून इस धरती पर मत गिराना वरना ये धरती हमेशा खून के आंसू रोती रहेगी। चंदा गंगू हर लड़की का विवाह अग्नि को साक्षी रखकर सात फेरे लगाकर होता है। मैं अपने खून को साक्षी रखकर तुझसे विवाह करने को तैयार हूँ। वादा कर कि तू रामू को नहीं मारेगा। मैं अपने आप को मारकर तेरे बनने को तैयार हूँ। चल वचन दे। मैं तुझे वचन देता हूँ, तू मुझे मिल जाए ना तो तेरे लिए मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ये साला रामू क्या है? रामू मैं जानती हूँ मैं जो कुछ करने जा रही हूँ वो सुनकर तुम मुझसे बहुत नाराज होगे, मगर मेरा ये कदम तुम्हारे भविष्य में सुख और खुशियां भर देगा। भगवान को साक्षी मानते हुए तुम दोनों अब पति पत्नी बन गए। चंदा, ये तुमने क्या किया? चंदा तुमने क्या समझा हम सब मर गए? ना मुझसे कुछ कहा ना माँ को कुछ बताया, चुपचाप शादी कर ली। मुझे मालूम था कि तुम इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और चुपके से शादी कर ली। रामू तुम्हें नहीं मालूम ये गंगू है ना, ये मुझे बचपन से चाहता है। ये दूसरों के लिए कैसा भी हो मगर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। रामू इतना ही नहीं, इसने मुझसे ये भी कहा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो ये वही करेगा जो मैं कहूंगी, और इसी कारण मैंने अपनी मर्जी से जिसे मैं चाहती थी उससे शादी कर ली। चंदा बस मेरी इतनी ही इच्छा थी कि तुम मेरी शादी में आओ और मुझे आशीर्वाद दो। लीजिए दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। बात याद रखना चंदा, जिंदगी में कोई भी दुख हो ये मत भूलना तुम्हारा रामू जिंदा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जिंदगी की राहों में वो हमेशा खुशियों के फूल बरसाता रहे। अरे हट, बाजू हट, ऐसा लगा है कि शादी हो रही है। अरे हाँ ये तो हो गए हैं। चलो भगवान का शुक्र है। अरे तू बच गई रे, तुझे पता है औरत को पति का सहारा ना हो तो दुनिया के सारे मर्द उसे धोखा देना चाहते हैं। हाँ तुझे मालूम है इस गांव में लड़की की कीमत क्या है? सिर्फ 5 रुपए। इतने में मुर्गी भी नहीं मिलती, मगर लड़की का यही भाव है। हाँ गंगू इस तरह मेरे तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? हाँ शुक्रकार इतनी अच्छी और इतनी सुंदर पत्नी तुझ जैसे भैंसे को मिल गई। अब किसी और की तरफ देखेगा तेरी आंखें फूट जाएंगी। तू हाँ। को बोलती है हम चली जा रही है, चल पड़े वरना। चुप, अबे गंगू अपनी ताकत के धौंस उस जग्गू और मधुकर के पास दिखाना, मैं नहीं डरने वाली। हाँ लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली है, अब सुधर जा, इंसानों की तरह रहने का ढंग सीख ले तो भगवान सबका भला करेगा। अबे ओ कालिए जी, आज मेरी शादी की खुशी में सबको दारू पिला दे, फिकर मत करना पैसे मैं दूंगा। जी अच्छा, लेकिन गंगू साहब आप इस कुर्ते में बहुत अच्छा लगता है। अबे साले मैं कुर्ते में अच्छा लगता हूँ या बुरा, तेरे बाप का क्या जाता है? चल सबको दारू पिला।
नई बुलबुल फांस के लाए हो, जाओ मौज उड़ाओ। बुलबुल फांस के लाया हूँ। रामजादे तेरी बाँ का कुत्ता मारू। रामजादे तूने मेरी बीवी को बुलबुल का, मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। रामजादे का फांस के लाया हूँ। क्या चंदा ने गंगू से शादी कर ली? हाँ लक्ष्मी बेटी, जब भी कोई चंदा से पूछता है कि उसने गंगू से शादी क्यों की, तो वो कहती है कि गंगू दूसरों के लिए बुरा होगा, मेरे लिए नहीं। सारी जिंदगी वो वही करेगा जो मैं कहूंगी, यहां तक कि मेरे लिए जान भी दे सकता है। बस यही कुछ उल्टी सीधी बातें करती रहती है, पता नहीं क्या हो गया उसको। चंदा तुम खाना खा लो। रामू तुम एक नई नवेली दुल्हन हो, तुम यहां क्यों आई हो? दुल्हन भले ही नहीं हूं, मगर तुम्हारे लिए वही पुरानी चंदा हूं ना। मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने खाने की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं खाना ले आई, ये जानते हुए भी कि अब मैं किसी और की हो चुकी हूं। मगर तुम्हारी भूख का ख्याल आते ही मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। रामू, रोक नहीं सकी। चंदा, रामू, आज मैं तुम्हें खाने का पहला निवाला अपने हाथों से नहीं खिला सकती, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आज की बात कभी नहीं खिला पाऊंगी। खाना खा लो रामू। बढ़िया कुतिया, मैं गांव भर में तुझे ढूंढता फिर रहा हूं, तू यहां आई हुई है? देख रही चंदा की बच्चे, आज के बाद तू कहीं गांव में भुदकती नजर आई ना, तो तेरे हाथ पांव तोड़कर घर के किसी कोने में ऐसा डाल दूंगा जैसे टूटी हुई खाट को डालते हैं। हाँ, और सुन, 5 मिनट के अंदर घर बांध जा, वरना ये मंगल सूत्र जो तेरे गले में लटक रहा है, इसी के अंदर तेरी गर्दन लटका दूंगा मैं। चंदा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा माना है, जो आज मानूंगी। बोलो रामू। चंदा, आज के बाद तुम यहां कभी मत आना। चंदा, गंगू एक मूर्ख आदमी है, उसे नाराज करना अच्छी बात नहीं। तुम जाओ, भगवान करे तुम जहां भी रहो सुखी रहो, खुश रहो। ठीक है रामू, अब मैं यहां नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। इली, तू? अरे तू गांव से कब आई? मजे में तो है? हाँ, बहुत मजे में हूँ, और गांव में सबको मजा करने आई हूँ। अच्छा? अरे ऐसा घूर घूर कर क्या देख रहा है? मैं अब खूबसूरत नहीं रही? अरे नहीं रे, तू तो पटाखा है, बिजली है। हाँ तो चल, ये बिजली तेरी बत्ती जलाएगी, 5 रुपए निकाल और एक दिन की दुल्हन बना ले मुझे। 5 रुपया ये ले। चल कमीने, कुत्ते, अरे नहीं, जाले, हरामी, सुवर के बच्चे, औरत की कीमत सिर्फ 5 रुपए। तेरी माँ औरत है, तेरी बहन औरत है, उसको 5 रुपए में किसी का हवाला नहीं देना। चल भाग यहाँ से। देखो बाबू, सुना है तुम यहाँ स्कूल चलाने और गांव के हालत सुधारने आए हो। एक गहराई की बात बताऊं, अगर तुम सचमुच इस गांव को सुधारने चाहते हो तो सबसे पहले उस जग्गू और मधुकर को मिटा डालो। ये पाप के तालाब हैं, जब तक वो यहाँ रहेंगे पाप के कीड़े फैलते रहेंगे, समझे? मास्टर जी, ये लड़की कौन है, पागल है क्या? नहीं बेटे, पागल नहीं, लोगों ने इसे ऐसा बना दिया। मैं समझा नहीं। इसका नाम बिजली है बेटे, ये वो शराबी जो पिछली बस्ती में रहता है ना छज्जू, उसकी लड़की है। हर जवान लड़की की तरह
यह भी अपने भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी।